नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करूंगा, मैं कुछ दिन पहले जो है कुछ प्लांट्स जो प्लांटेशन किया था उसका क्या अपडेट है और कैसे उसका ग्रोथ कर रहे हैं और फ्लॉरिंग कैसे कर रहे हैं, ये सारे जो है मैं आपसे शेयर करूँगा। तो बने रहिए, ये पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला मैं दिखाऊंगा, ये तो ये देखिए, ये जो है रोजमेलो है, देखिए कितना अच्छा ब्लूमिंग कर रहा है। ये मैंने करीबन एक महीना हुआ है इसको प्लांटेशन करते हुए, तो पौधा आप देख रहे हैं कितना अच्छा हेल्दी बन रहा है और बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग चल रहा है। ये हर दिन जो है दो दो तीन तीन करके जो इसका फ्लावर मतलब इसमें फ्लावरिंग चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा मतलब ये रोजमेलो जिसका ग्रोथ भी अच्छा हुआ है। शुरू से जो है प्लांटेशन के टाइम जो मैंने पॉटिंग सॉइल उसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर्स मैंने ऐड किया था, तो इसके ऊपर जो है मैंने वीडियो अपलोड किया था कौन सा पॉटिंग सॉइल में मैंने इसको प्लांटेशन किया। अगर आपको देखना है तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप उसको उस लिंक से देख सकते हैं कि कैसे जो है मैंने सॉइल प्रिपरेशन किया था ये जब मैंने इसको प्लांटेशन किया। तो देखिए इसमें जो है आज चार मतलब फ्लावर्स खिला हुआ है, तो बहुत ही अच्छा कलर, और देखिए इसके बैक साइड में भी कुछ शेड्स है इसके। तो ये रोजमेलो जो है ये हिबिस्कस का ये एक स्पेसिस है, इसका भी केयर जो है हिबिस्कस जैसा ही है, तो इसको इसके लिए जो है जो एक तो है थोड़ा रिच जो सॉइल है ऑर्गेनिक मैटर्स होना चाहिए इसके अंदर, और इसको फुल सन चाहिए, साथ में जो है इसको जो सॉइल है इसको मॉइस्चर मेंटेन रखना है। तो दोस्तों ये एक हैवी फीडर भी है, तो महीने में जो है कम से कम इसको एक बार जो है इसको फर्टिलाइजिंग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा फ्लॉरिंग करेगा और बहुत अच्छा हेल्दी भी बनेगा। तो दोस्तों ये मैं शुरू में जो है जो फर्टिलाइज़र मैंने यूज़ किया कम से कम एक महीना हो गया, उसके बाद से अभी तक मतलब इसमें फर्टिलाइज़र नहीं दिया, उसी में जो है ये अच्छा फ्लॉरिंग चल रहा है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी चल रहा है। तो दोस्तों देखिए कितना सारा बड्स भी है और कितना अच्छा फ्लॉरिंग भी चल रहा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट, तो दूसरा प्लांट आप देख रहे हैं ये जो है ये अंगूर का प्लांट, आप देख रहे हैं कितना ये जो ये बेल है ये कितना अच्छा ग्रोथ किया है, धीरे धीरे जो है ये जो मैंने नेट लगाया है इसके नेट के ऊपर चढ़ा है चढ़ गया और बहुत ही अच्छा ब्रांचेस इसमें निकल रहा है। तो ये करीबन डेढ़ महीना हुआ है मैंने इसको प्लांटेशन किया है, तो इसको जो है प्लांटेशन के टाइम मैंने जो खाद डाला था वो है पूरा ऑर्गेनिक खाद है, काउडंग मैन्योर और नीमखली ऐड किया था और साथ में थोड़ा फंगिसाइड्स ऐड करके मैंने इसको प्लांटेशन किया। तो दोस्तों इसका ये जो अंगूर का बेल है ये इसके लिए जो है पॉट साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो देखिए इसमें पॉट जो है ये 50 लीटर वाला पानी का जो है पॉट है मैंने इसमें मैं ये प्लांट्स को मैंने प्लांटेशन किया था, तो बहुत ही अच्छा ये डेढ़ महीने में आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा ग्रोथ किया और बहुत जो है इसमें धीरे धीरे जो है ये पूरा ब्रांचेस निकलेगा। तो ये ब्रांचेस जो है मैंने एक काम किया, जैसे मतलब ये आप देख रहे हैं ये मेन ब्रांच है, तो इसको मैंने थोड़ा सा जो पिंचिंग कर दिया, तो उसके बाद जो है साइड वाला ब्रांचेस है वो देखिए कितना अच्छा इसमें निकाल के फिर ये फैल रहा है नेट के ऊपर। तो दोस्तों चलिए, ये डेढ़ महीने का जो ये जो अंगूर का बेल है वो काफ़ी अच्छा मतलब इसका ग्रोथ किया है, तो आप भी देख रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांटेशन मैंने किया था उसका क्या अपडेट है मैं आपसे दिखाता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट प्लांट जो है ये देख रहे हैं ये मधुमालती का प्लांट है, तो मैंने करीबन ये तीन हफ्ता हुआ है जो जिसको मैंने प्लांटेशन किया, तो 3 वीक्स के बाद देखिए कितना अच्छा ये ग्रोथ किया है। तो आप ये नीचे वाला जो ये जो ब्रांचेस है उसमें ऑलरेडी जो है बड्स आया और फ्लॉरिंग भी इसमें चल रहा है, लेकिन जो मेन ब्रांच है ये देखिए धीरे धीरे जो है मैं इसको ऊपर चढ़ा है, ये देखिए ये पूरा जो है आपको नज़र में आ रहा है, पूरा ये जो है मैंने इसको ऊपर चढ़ा दिया, तो जैसे जैसे मतलब ये बढ़ते जा रहा है और बहुत ही साथ में जो है ब्रांचेस भी इसको निकल रहा है साइड में, तो ये पूरा जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है और ये धीरे धीरे जो है पूरा ये कवर कर लेगा और बहुत मतलब आगे चल के इसमें फ्लॉरिंग होगा। तो
तो दोस्तों ये जो पौधा है ये देखिए, इसका फ्लावरिंग जो है ये क्लस्टर में फ्लावरिंग होता है, और इसका जो फ्लावर है बहुत ही अच्छा, मतलब ये गुच्छे में जब होता है तो कभी जो है शुरू में थोड़ा वाइट, देन थोड़ा सा पिंकिश, देन थोड़ा सा डार्क मतलब ब्राउन में ये बदल जाता है, तो बहुत ही अच्छा, और एक साथ जब खिलता है तो बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो प्लांट है मैं उसके बारे में मैं बात करता हूँ, जो फ्लावरिंग प्लांट वो है आप देख रहे हैं मैंडाविला। तो इसको भी मैंने प्लांटेशन किया एक ही साथ, मतलब ये जो मधुमालती की जो प्लांट है, तो ये देखिए इसका भी फ्लावरिंग चल रहा है। तो इसमें जो है इसका बेल जो है धीरे धीरे जो है ये ऊपर चढ़ रहा है, और साथ में फ्लावरिंग भी होता रहा है, फ्लावरिंग भी हो रहा है। तो ये उससे जो थोड़ा सा कम ग्रोथ हुआ है, लेकिन इसका जो फ्लावरिंग चल रहा है ये देखिए, ये थोड़ा सा मतलब जो है कम ग्रोथ होता है इसका, धीरे धीरे जो है ये ऊपर की तरफ चलेगा। ये भी बेल है तो आगे चल के जो है इसका भी मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा, और अच्छा मतलब फ्लावरिंग भी करेगा। जो प्लांटेशन मैंने किया और उसका जो अपडेट है मैंने आपसे शेयर किया, तो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूपटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।